हाई एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे JKSSB की तरफ से आई गई इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, JKSSB की तरफ से जो इंपॉर्टेंट अपडेट आई है वो आई है क्लास फोर्थ कैंडिडेट्स के लिए। और क्लास फोर्थ कैंडिडेट जो रहेंगे, जो आते हैं अंडर, अगर बात करें ये क्लास फोर्थ की जो पोस्टें आई थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की और वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स की जो पोस्टें थी, और मैं आपको बता दूं ये आती है नोटिफिकेशन नंबर 3rd of 2020 की। तो जहां पे मैं आपको बता दूं, सबमिशन ऑफ एफिडेविट फॉर दी पोस्ट ऑफ क्लास फोर्थ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर डिवीजन एडवर्टाइज्ड बाय एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 3rd of 2020। तो जहां पे डॉक्यूमेंट सबमिशन ऑफ एफिडेविट के लिए जो है क्लास फोर्थ के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला है JKSSB ने, तो ये आती हैं पोस्टें 3rd of 2020। ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर 3rd of 2020। तो मैं आपको बता दूं, PM पैकेज फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं एफिडेविट में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है क्लास फोर्थ कैंडिडेट के लिए, एक बहुत बड़ा जो है, एक बहुत बड़ी, एक अगर बात की जाए तो बहुत सारी पोस्टें थी। अगर हम बात करें क्लास फोर्थ की, जम्मू डिवीज़न की भी बहुत सारी पोस्ट थी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इशू रहा। तो इसमें कौन कौन सी जो है आपको एफिडेविट में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है, ये सारा का सारा इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ नोटिफाइड फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ कंसर्न कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन फेस मैनर फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास फोर्थ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर डिवीजन एडवर्टाइज बाय नोटिफिकेशन नंबर, आप देख सकते हैं 3rd of 2020। ये आती है PM पैकेज फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स और नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित। वायर दिस ऑफिस नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, आर हेयर बे इन्फॉर्म टू सबमिट एन अंडरटेकिंग इन द शेप ऑफ एन एफिडेविट ड्यूली अटेस्टेड बाय द LD जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू द अफेक्टेड। तो जहाँ पे आपको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा, वो कैंडिडेट जिन्होंने क्लास फोर्थ के लिए अप्लाई किया था उनका उस लिस्ट में नंबर आ गया है, तो उनको JKSSB ने जहाँ पे स्पेशल नोटिफिकेशन निकाल के ये बताया कि आपको एफिडेविट करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, और उस एफिडेविट में आपको किससे अटेस्ट करना पड़ेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से करना पड़ेगा। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको मैंशन करनी पड़ेगी, फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट कॉलम की, तो जहाँ पर लिखा हुआ ही शी इज पोजेसिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिक एंड मैक्सिमम ऑफ 10+2 एंड ही शी इज़ नॉट पोजेसिंग द हायर क्वालिफिकेशन दैन दैट इज़ प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहली जो आपको एफिडेविट में सबसे पहले जो चीज़ मैंशन करनी है, ये चीज़ मैंशन करनी है कि हमारे पास जो मेरे पास करंट जो मेरे पास क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन मेरे पास मैट्रिक है, यानी कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, जब आपने वो क्वालिफिकेशन फिल की थी, तो आपने वही चीज़ फिल करनी है कि उस समय आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, 10th थी। अगर आपकी फॉर्म में 10th थी तो आपको 10th ही मैंशन करना है। तो जहाँ पे आपको एक चीज़ और करनी है कि ये हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, और मैक्सिमम 10+2 है, मतलब इससे ज़्यादा हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जिस तरीके से पोस्ट में बताया गया था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th रहेगी और मैक्सिमम 12th रहेगी, हमारे पास यही क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले आपने ये मैंशन करना है। और कॉलम नंबर सेकेंड में अगर हम देखें, तो इफ़ एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन और लेटर ऑन इट हैज़ बीन फाउंड दैट ही शी इज़ पोजेसिंग द हायर क्वालिफिकेशन दैट देन दैट इज़ द प्रिस्क्राइब फॉर दी पोस्ट हिज आर कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड एन इश्यू विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी फर्दर नोटिस, एंड शी शैल हैव नो ऑब्जेक्शन इफ हिज आर नेम फॉर द क्लास फोर्थ पोस्ट विल बी रिजेक्टेड। तो जहाँ पर सिंपल सी बात लिखी हुई है कि अगर आपके पास 10+2 से ज़्यादा क्वालिफिकेशन हुई, तो आपकी जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल किया जाएगा और आपको बिना नोटिस के आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा। ये आपको सारी की सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी एक एफिडेविट में जो आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो डेट बताऊंगा कौन कौन सी डेट को आपको एफिडेविट सबमिट करना है, उसके बाद मैं आपको बता दूँ। जहाँ पे द अफोर मेंशन कैंडिडेट शैल डिपॉजिट द एफिडेविट अंडरटेकिंग इधर इन द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एट हेमा कम्प्लेक्स सेक्टर। जी आप देख सकते हैं, अगर आप अभी करंट जम्मू में रह रहे हैं, तो जम्मू में अगर मैं आपको बता दूं, ये एड्रेस रहेगा JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, कम्प्लेक्स सेक्टर 3 शनी हिम्मत जम्मू और जुमजुम बिल्डिंग रामबाग श्रीनगर। तो ये आपका रहेगा जम्मू का एड्रेस, जहाँ आपको जुमजुम बिल्डिंग रामबाग श्रीनगर, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा एफिडेविट 5th, 6th and 7th of October। ये 3 दिन रहेंगे आपके पास, यानी कि कल और उसके बाद 6th को और 7th अक्टूबर को, जो आपके पास टाइम रहेगा।
2021 और उसमें आपका टाइम जो रहेगा 10:30 AM ऑनवर्ड्स रहेगा। फॉलिंग विच नो क्लेम इन दिस रिकॉर्ड शैल बी इंटरटेन द जे एंड के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड शैल टेक फर्दर नेसेसरी एक्शन इन द मैटर इन अकॉर्डेंस विद रेलिवेंट रूल्स। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी, अगर जैसे पहले कैंडिडेट की बात की जाए तो क्लास फोर्थ का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था, उसी इशू के अकॉर्डिंगली जे के एस एस बी ने जहाँ से आपको एफिडेविट के लिए मांग की है, ये आप कश्मीरी माइग्रेंट्स जो थे, कश्मीरी पंडित जो उनकी पोस्ट निकाली गई थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की क्लास फोर्थ की, उन्हीं के रिगार्डिंग आज ये अपडेट आई है। तो इस अपडेट में आप देख सकते हैं उन कैंडिडेट्स को एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा जो कैंडिडेट 10+2 है, वहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर इन केस आपको जेके एसएसपी बाद में वेरिफिकेशन के दौरान पता चलता है कि आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 से ज़्यादा, तो आपकी कैंडिडेचर को रिजेक्ट किया जाएगा और आपका मतलब फर्दर बिना नोटिस के आपको बाहर निकाला जाएगा। तो ये थी आज की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जेके एसएसबी की तरफ से। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।